तो गाइस हर बार की तरह आज भी लेट हो गए हैं और काफी रात हो गई है। तो दरअसल हम मैं रात जानबूझ के नहीं करता, ठीक है, मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ तो उस लोकेशन पे जाते आते रात रहती है। हर बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई, रात में कभी भी ऐसे टाइम से चले आना चाहिए, कैंप सेट कर लेना चाहिए, पानी रख लेना चाहिए और लकड़ी वगैरह रख लेना चाहिए, तब जाके नाइट कैंपिंग होती है। लेकिन ये नियम मैं ही फॉलो नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम। तब आप बोलोगे कि भाई दिन भर क्या करता है, तो भाई आज जो है कि पूरे दिन भर बारिश थी, जबकि मैं निकल गया था घर से बहुत टाइम पहले ही, मतलब दिन में ही निकल गया था। और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, दूसरे चैनल पर डालूंगा मैं बिहाइंड द सीन। तो गाइस अपना टेंट सेट हो चुका है पूरी तरीके से, दोनों पीछे हो गए हैं, अब हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है। अब हमें जरूरत है सिर्फ पानी और लकड़ी की, जो कि सबसे मेन होती है किसी भी, अगर आप लोग नाइट कैंपिंग करते हैं कहीं पर भी करते हैं, अगर जंगल पे या थोड़ा सा भी इलाका जंगली है तो आपको जरूरी होता है अगर आप लोग वाइल्ड एनिमल से बचना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले अपनी सेफ्टी का इंतजाम करेंगे। हालांकि मैं बेवकूफी कर चुका हूँ भाई, ये सारी चीजें हमने दिन ढलते ढलते करनी होती हैं, लेकिन रोज ऐसा ही हो रहा है। तो सुबह आप लोगों को मॉर्निंग पे अच्छे से लोकेशन दिखाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए सॉरी, ठीक है। तो फिर लेके आते हैं अपने लिए कुछ, क्या मिल पाता है क्या नहीं मिल पाता है देखते हैं। तो गाइस ये है अज्जू भाई अपने, और ये है दीपू, और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लकड़ी पानी सबकी व्यवस्था करने। गाइस हम लोग को एक नौला मिला है, तो ये नौला है और यहाँ से देखो धारे से पानी गिर रहा है, जो कि रिस्क आता है पहाड़ों से, आराम से। और इसमें डिजाइन देखो कितनी बढ़िया बना रखी है, बहुत पुराने इन्होंने, लगभग 200-300 साल पुराने होंगे ना। हम लोग चल रहे हैं पानी ले जा करके, अब लकड़ी की तलाश करनी है, बस देखो कहाँ मिलती है लकड़ी। रोड पे पड़ी हुई हमें इतनी बड़ी लकड़ी मिली है, हम वैसे वरना काटते नहीं है, देखो तो थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। सो गाइस देखो ये कटने वाली है, लकड़ी कट तोड़ दूंगा मैं, शाबाश, ये बढ़िया लग रही है यार, ये बहुत मेहनत लग गई भाई। तो गाइस अभी देखो ऐसी लकड़ियां हमने जितनी हो सकती थी उतनी काट ली हैं, छोटी मोटी, और थोड़ी सी ढूंढी, और देखो नीचे इतनी सारी हमने कलेक्ट कर ली है। तो चलो आप टेंशन फ्री हो चुके हैं भाई, अब चलते हैं कैंप पे। जंगल का सबसे पहला रूल, अगर कभी भी आग लगाते हैं तो एक गड्ढा खोद लो, अगर गड्ढा नहीं खोद सकते तो आप लोग साइड पे पत्थर लगा सकते हैं। तो गाइस आज देखो यार इतना एडवेंचर हो गया है कि भाई हम हमारे पास कुछ जलाने को नहीं है, कुछ दिमाग खराब चल रहा है मेरे भाई, पागल है जून में इश्यू मेरा, तो आज कुछ नहीं मन नहीं है यार, थकान लग गई है बहुत खतरनाक। अब मेरे ब्लॉग बनाना मन होने लगा है, दिमाग बोले। तो भाई फाइनली हमारी बड़ी मुश्किल से आग जली आज, गीली लकड़ियां होने की वजह से अब कुकिंग चल रही है। और काफी सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई बड़ा चाकू लो, बड़ा चाकू लो, तो भाई लो इतना बड़ा चाकू ले लिया है कि भाई ये इससे बुश क्राफ्टिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। कोलंबिया का है, काफी अच्छा नाइफ है। देखो अभी हम लोग खा रहे हैं नाशपाती, जो नाशपाती है एनर्जी मिलेगी क्योंकि थक गए हैं भाई, इस बार प्रोडक्ट कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा सुबह कितने बजे उठेंगे क्या?
खरीद के ला रहे हैं? नहीं तो ये मिर्च तो वैसे ही डाल के ले आया था मैं साथ में। दिन ना रहने नोशलू। नहीं नहीं अज्जू की पहचान का था ले आया वो। तो गैस अपने प्याज हो चुके हैं रेडी, तो आज बहुत ही अच्छी वाली ग्रेवी बनने वाली है। और ये जो लास्ट प्याज है तो ये अपना बारबेक्यू के लिए होगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है हाँ। थोड़ी सी सेम मेरे से है ना ये प्रोडक्ट। हाँ यार इस बार अच्छा मिल रहा है तुमको। दिक्कत क्या बताऊँ क्यों कहो अजुदा क्यों सारे खराब थोड़ा होते हैं प्रोडक्ट। टिप्पू भाई की चाय बनाने की तैयारी। चलो हाँ एक काम तो कर रहे हैं ये तो टिप्पू भाई के गाने भी लगे हमारे कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए हम गाने भी बंद कर रहे हैं। और अभी काटा जा रहा है अपना टमाटर। तो भाई साहब टिप्पू भाई ने बना दी है चाय बढ़िया से और इतनी चाय मेरी बची है। ये दीपू है दिखने में तो काफी शानदार लग रही है। मजा होगा इससे आप। अरे कोकोनट वाला था एक तो ना यार वो फ्लेवर उतना मजा नहीं आया लेकिन मतलब पीने जैसा ठीक है। तो गाइस अपने लहसुन भी छुल चुके हैं और धुआं लग रहा है दीपू। चलो अब सही है। तो गाइस अपने हो चुके हैं ये भी बढ़िया तरीके से। इनको वैसे नहीं भी काटते तो चलता, ये तो वैसे ही बढ़िया रहते हैं स्वाद में। क्यों नहीं काट के थोड़ा ज्यादा टेस्ट आता है। काट के ठीक रहता है। तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं ये बारबेक्यू की प्रिपरेशन चल रही है भाई। आज बहुत ज्यादा है हमारे पास तो प्याज है। आज सब उल्टा पुल्टा हो रखा है भाई सारा ही डालो यार हट। इतने में तो काम बन जाने वाला था हमारा। आएंगे स्वाद ये बहुत है। चलो चल ठीक है जरा सा बचाए। ध्यान भी तो नहीं दिया यार क्या होता है रे पागल। चलो इसको रख देते हैं भाई। आज दीपू भाई के नए गैस स्टोव की शुरुआत हो रही है। हवा भी तो चल गई है तभी तक भाई सेट बार भी की तैयारी करते हैं। कैसा चाकू दे अपना बड़ा वाला। चलो भाई इसको होने देते हैं। ऐसे भी थोड़ा सा सुकून से बनाते हैं यार क्योंकि अगर प्यार से बनाएंगे तो इसमें प्यार भी मिक्स होगा और भाई जल्दीबाजी में बनाएंगे तो जल्दीबाजी में फिर स्वाद नहीं आएगा है ना। यहाँ पे पूरी एकदम बढ़िया से बॉन फायर रखा है साथ में यहाँ पे अपना बीवी की चला हुआ है देखो। बस जले ना यार ये। जलेगा नहीं। ठीक है ठीक है। जलेगा नहीं। जलेगा तो जाएगा कहाँ। मेरा फोन है क्या वहाँ पे। अच्छा मेरे फोन में तो बैठ गया तू। ना ना नहीं बैठा हूँ। इतना वो हो रहा है ना भाई मेरा मन ही नहीं हो रहा है। फूल हो गया यार ये देख तो
आ, बहुत ज्यादा है हमारे पास कितना आ, बहुत है तो आज वो मेरे अभी इस पे मसाले नहीं पड़े हैं, बस इसको पहले थोड़ा सा भून लेते हैं ना, फिर आज थोड़ा नए तरीके से बनाते हैं इसको, डाल देते हैं इसके मसाले। भाई बर्तन छोटा हो गया यार ना, और ज़्यादा लोग हैं ना, तीन लोग हैं तो इसलिए अकेले अकेले बढ़िया है यार ये बर्तन, बस सिर्फ करीब दो आदमी भी चल जाते हैं, लेकिन फिर तीन के लिए तो बहुत बनाना पड़ता है ना। अभी ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, मिर्च डाल देते हैं थोड़ा सा, आज गाइस बहुत ज्यादा देर हो चुकी है हमें, अब आएगा मजा, इसमें भी जबरदस्त आ रहा है यार, एकदम खुशबू आ रही है। वाह तो गाइस अभी अपना यहाँ पे बनने को रेडी है, बस थोड़ा सा पकाने की देर है, बाकी सारे मसाले डाल रखे हैं। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं बढ़िया तरीके से, कैसा और इस साइड अज्जू भाई सो रखे हैं बढ़िया से, एकदम टेंशन फ्री होकर के, और अपने लगभग लगभग थोड़े बहुत भून चुके हैं, और बाकी का थोड़ा बहुत दीपू भाई ने यहाँ पर भी रख रखे हैं, ये देखो। अरे क्या टमाटर बढ़िया से हो रही है, आज कुछ चीजों की कमी हो गई, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा यार। क्यों डाल इसमें इतना सेक्सी हो रखा है ना, लेकिन चक यहाँ से चक यहाँ यहाँ इसमें गिरी मजा नहीं आया है, लाजवाब हो रहा है ग्रेवी में। गाइस तो अभी एकदम आंख पे पक रहा है, क्योंकि अपना सिलेंडर खत्म हो चुका था, दीपू भाई ने नया माल मंगाया था उसमें सारी गैस लीक कर गई। तो फाइनली गाइस अपना दोनों चीजें रेडी हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो भाई ये हमने नॉर्मल वैसा बना रखा था ग्रेवी वाला सूखा टाइप का, जो कि दिखने में भाई क्या कलर आ रहा है, क्या तगड़ा दिख रहा है। और दूसरे नंबर पे ये वाला है अपना बारबेक्यू वाला पूरा, तो भाई अज्जू भाई की भी नींद खुल गई है, कैसी नींद आई सर? बढ़िया बढ़िया ये और सर कैसा रहा अभी तक फिलहाल? अरे बड़ा मस्त रहा, मस्त रहा, हालत खराब हो गई क्या? और आग देखो वहाँ पे खतरनाक वाली आग जली हुई अभी तक, देखो रुक जाओ भाई। तो भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ बहन का हालत खराब होगी, लेकिन यार ना तेरे को तो बढ़िया नींद आ रखी है, मेरे तो हाथ पांव में दर्द होने लग गया, क्योंकि बैठे बैठे ना शुरू करता हूँ सबसे पहले। भाई 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 पातला खंड ले मजा आ गया, दीपू भाई टेस्ट करो जरा, अज्जू भाई करेंगे टेस्ट पहले उसके बाद हम करेंगे। मेरा साहब एक नंबर यार चीज क्या बनी है, आराम से काफी गिरा तो मतलब बताएंगे कैसा हो रखा है, एक नंबर बहुत ही मस्त हो रहा है यार जिस तरह का सामान था हमारे पास उस तरह से भी कई ज्यादा, हाँ जितने कम सामान में बन रखे है ना। और जो भाई तुम बताओ कि कुछ बढ़िया बना, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, चलो थैंक यू सही है अब ना करे ना कमेंट है कि कर लाए ले क्या करूंगा कई फिर का वही बता तेरेगा देखो आएगा साले अगर गंदा लिखा तो दीवार से।
नमक ज्यादा डाल दूंगा। तो भाई आप क्या टेस्ट करते हैं अपना बारबेक्यू रोस्टेड वाला कैसा होता है? बढ़िया, लेकिन मेरे को उतना मजा नहीं आया बारबेक्यू पे। टमाटर एक नंबर भाई, टमाटर तो गाइस अभी अपना खाना पीना हो गया है एकदम, मेरा रेडी कर देते हैं टन टना टन से। सर अब सोने की तैयारी करते हैं भाई, मेरे को तो आ रही है खतरनाक वाले नींद और साथ में गया हूँ थक बहुत ज्यादा। वो भी यार बिछाने वाला तो गड़बड़ है, आशीष तू इधर पर आया था ना। सो गाइस अभी जो हालत है ना बहुत खराब है, एक काम करते हैं बढ़िया से टन करके बढ़िया से नींद निकालते हैं। डेढ़ बज चुका है, 3-4 घंटे की नींद सोते हैं, उसके बाद सुबह उठेंगे और फिर चलेंगे घर को आराम से। क्यों तो ओके गुड नाइट टिप्पू, मेरा फोन भी बंद कर देना। हाँ बाय बाय, मिलते हैं मॉर्निंग पे। तो गाइस हो चुकी है सुबह, गुड मॉर्निंग टिप्पू भाई। और अभी तक हमारी आग जली हुई है। टिप्पू भाई किस टाइम उठे? मैं उठ गया था यार। अच्छा देखो आग जली हुई है, सुबह सही है। गाइस अच्छी खासी नींद आ रखी थी, बस थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। टिप्पू बोल रहा है कल का मुर्गा कुकड़ू कु कर रहा है पेट में, तो वो थोड़ा सा पता नहीं है पेट के साइड से सो गया ना, इस वजह से साइड से दर्द हो रहा है। बाकी का बढ़िया नींद नहीं यार, क्या बताऊं। आय हाय आह मजा आ गया था। और ये दोनों टेंट, इस साइड हमने सारे सामान रख दिया था, इस साइड हमने सारा सारा कुछ खाना पीना किया, सोई वगैरह एकदम कंफर्टेबली, बहुत बढ़िया रही रात। और भाई ठंडा होने लग गया क्यों टिप्पू? अभी तक हमारी आग जली हुई है बहुत सही तरीके से, जबकि रात में हल्की हल्की बारिश हो रही थी क्योंकि गीला हो रखा है सब जगह, लेकिन ये अभी तक चली हुई है भाई। और सुबह के टाइम में अचानक से आवाज आने लगी है, क्यों कि तब पता चला कि यार आग जली है करके। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। और एक चीज और मैं कभी भी नहीं कहता लेकिन आज कह रहा हूँ, देखो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, ठीक है? वहां पर मैं मेरे से आराम से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक बार ट्राई कर लेना। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।